देखो ABS नहीं मिलेगा, लीवर सॉकेट डिस्क को छोड़कर पूरी ब्लैक। दोस्तों ये है 2024 की न्यूली लॉन्च TVS Apache RTR 160 2B का ऑल ब्लैक एडिशन का राइडिंग मोड वाला नया मॉडल। इस बाइक में कंपनी ने कौन कौन से बदलाव किए हैं, कौन कौन से नए फीचर्स अपडेट किए हैं, माइलेज, टॉप स्पीड और इसकी नई ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बाइक के पहले सबसे बड़े बदलाव की बात करूं तो यहां पर बाइक का जो कलर है वो पूरा चेंज हो चुका है, कोई भी ग्राफिक्स वगैरह यहां पर नहीं मिलेंगे, पूरा का पूरा ऑल ब्लैक कलर यहां पर ग्लॉसी फिनिश में रहने वाला है। यहां तक कि इसका जो TVS का जो घोड़ा आता है वो पहले सिल्वर मिलता था, इसको भी पियानो ब्लैक फिनिश में कर दिया है। यहां तक कि जो इसके काउल हैं ये भी आपको ऑल ब्लैक के साथ मिलेंगे। नीचे में थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर आपको मिल जाएगा, जिसके ऊपर में RTFI की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। बाकी साइड बॉडी पैनल यहाँ पर आपको कलर कोटिंग के नहीं मिलेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर आपको मिलेगा। अपाचे का स्टिकर दिया गया है, यहाँ भी कार्बन फाइबर है। और काउल के ऊपर में सिर्फ एक छोटा सा RTR 160 की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, इसी से पता चलता है कि ये जो बाइक है वो 160 cc की है। बाकी पीछे में भी आपको ऑल ब्लैक कलर मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर दिया गया है। और टेल लाइट यहाँ पर आपको पूरी की पूरी LED वाली मिलने वाली है, हेलोजन वाले इंडिकेटर आपको मिलेंगे, जिसमें टूटने का थोड़ा सा खतरा रह सकता है क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल है। मडगार्ड आपको एकदम बेसिक सा मिलेगा, LED वाली आपको लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए, और तीन आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, दो इधर और एक नीचे। जो पेट्रोल टैंक है ये 12 लीटर का मेटल बॉडी का है, प्लास्टिक बॉडी का यहाँ पर आपको काउल मिलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा फाइबर दिया गया है। E20 की बैजिंग आपको मिल जाती है, E20 फ्यूल को ये बाइक पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लिपन बार स्पोर्टी हैंडल बार मिलती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, थोड़ी सी नीची है, थोड़ी सी राइडर की तरफ है, तो बाइक को चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा। इसमें आपको राइडिंग के तीन मोड आपको मिल जाते हैं, जैसा कि मीटर आपको मिलता है पूरा का पूरा डिजिटल में, जिसमें ऑरेंज कलर की लाइट आपको जलती हुई दिखाई देने वाली है। पहला मोड है भाई, इसमें आपको अर्बन मोड मिल जाता है, दूसरा इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, तीसरा इसमें आपको रेन मोड मिल जाता है। ये जो तीनों ही मोड हैं ये सिर्फ पावर के साथ काम करते हैं, ABS के साथ इनका कोई भी लेना देना नहीं है। नीचे में फ्यूल गॉज है, स्पीडोमीटर है, साइड स्टैंड की वार्निंग है, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मॉडल लेना है तो आपको इसमें टॉप वाला मॉडल लेना पड़ेगा, जो कि अदर कलर ऑप्शन में आता है। बाकी यहाँ पर घड़ी है, डिजिटल RPM मीटर आपको मिल जाता है, और साथ में आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर, और यहाँ पर लो बैटरी की पर्स, और बाइक की जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन चली जाती है 127 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, और बाइक का जो माइलेज है वो 1 लीटर पेट्रोल में रहता है 42 से 43 किलोमीटर पर लीटर का। बाकी मिरर आपको वही पुराने वाले मिलेंगे, यहाँ पर फास्टिंग का बटन है, अबर्ट पर इंडिकेटर ऑन। इसमें स्लीपर असिस्ट क्लच इस तरह का कोई भी एडवांस फीचर्स नहीं मिलता है, अब कंपनी इसमें कब देगी ये तो भाई पता नहीं है। यहाँ पर इंजन किल, यहाँ पर मोड का बटन है, सेल्फ को वाइब्रेशन की बात करूं तो इसमें बहुत ही कम वाइब्रेशन आपको फील होती है पुराने वाले मॉडल के अनुसार। अब बाइक के फ्रंट में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो फ्रंट है वो वही पुराना वाला है, ग्लॉसी ब्लैक कलर का वाइजर है, हेलोजन वाले इंडिकेटर आपको मिलते हैं, कोई भी हैजार्ड वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगा। LED DRL आपको मिल जाते हैं जो कि थोड़े से आई शेप में दिए गए हैं, ऊपर में TVS की बैजिंग है, और भाई यहाँ पर आपको स्प्लिट LED हेडलाइट मिल जाती है। ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हाई बीम का है, नीचे वाला ये लो बीम का है, तो दोनों लाइट इसकी एक साथ भी ऑन हो जाती है, अगर आप चाहो तो इनको ऑन भी कर सकते हैं। लो बीम की जो रोशनी है दोनों मिलाकर आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी रात में आपको मिल जाएगी, कोई भी ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। फ्रंट में लगभग 31 mm के काफ़ी पतले पतले टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं। आगे वाला जो मडगार्ड है ये भी काफ़ी चौड़ा है। अब देखो सेफ्टी के नाम पर यहाँ पर कंपनी सिर्फ आपको सुपर मोटो ABS सिंगल चैनल ABS प्रोवाइड करती है, 270 mm की यहाँ पर आपको नॉर्मल डिस्क नहीं मिलती, यहाँ पर आपको पेट्रोल डिस्क मिल जाती है जो कि बहुत जल्दी गर्म नहीं होने वाली है। 90-90-17 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, 17 इंची का ब्लैक कलर का एलॉय व्हील दिया गया है। लेकिन ये जो बाइक है ना वो आज की डेट में सेफ्टी के नाम पर पीछे रह जाती है, क्योंकि कंपनी को भाई इसमें ना पीछे भी ABS देना चाहिए, क्योंकि ये बाइक जिस प्राइस पॉइंट पर आती है और ये बाइक जो है वो खास करके रेसिंग के मामले में ज़्यादा मशहूर है, तो इसमें कंपनी को सेफ्टी के नाम पर डुअल चैनल ABS देना चाहिए। 130 mm की ड्रम मिलती है, 110-80-17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, तो भाई 110 mm का जो टायर है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है इसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से कम कंपनी को 130 या फिर 120 mm का मिनिमम चौड़ा टायर तो भाई देना चाहिए। एग्जॉस्ट की जो डिज़ाइन है ये सेम वही है, लेकिन यहाँ पर जो मफलर गार्ड है ये पूरा का पूरा बदल दिया है। पहले वाले मॉडल में जो मफलर गार्ड था वो आपको सिंगल पीस मिलता था जो कि क्रोम या फिर सिल्वर का होता था,
ये जो है वो थोड़ा सा दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, RTR की ब्रांडिंग है। फोल्डेबल आपको फुटपैक्स मिल जाते हैं, जो कि पूरा का पूरा सेटअप जो है वो ब्रैकेट वाला ये एलुमिनियम बॉडी का बना हुआ है। बाइक के जो फुटपैक्स हैं राइडर वाले, ये थोड़े से पीछे हैं, थोड़े से ऊपर की तरफ हैं, और ये जो ब्रैकेट है ना भाई ये एलुमिनियम बॉडी का है, और जो स्विंग आर्म है ये आपको मिलता है भाई थोड़ा सा बॉक्सी शेप में। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको MIG मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस शॉक वाले यहाँ पर आपको कैनिस्टर टाइप के एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंफर्ट देते हैं, और ये जो सस्पेंशन है ये गैब्रियल कंपनी इनको बनाती है। और राइडर वाले जो फुटपैक्स हैं ये थोड़े से पीछे हैं, थोड़े से ऊपर की तरफ हैं। यह है इसकी ब्रेक पैड का लीवर, ये और जो दोनों चीज़ें हैं ये एलुमिनियम बॉडी की बनी हुई हैं। किक वगैरह इस बाइक में आपको नहीं मिलती है शुरू से ही। यहाँ इंजन गार्ड भी आप देख सकते हैं भाई, ये टोटल इसका इंजन गार्ड बदल चुका है, पुराने वाले मॉडल से ये टोटल अलग है। आप डिज़ाइन भी इसकी देख सकते हैं, पुराने वाले की आप डिज़ाइन देख लेना। यहाँ पर एयर वेंट है प्रॉपर तरीके से, हाइपर एज की बैजिंग है, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है, स्प्लिट वाला क्रैश गार्ड मिलता है, डुअल आपको हॉर्न मिल जाते हैं। ये जो इंजन है वो एयर कूल्ड वाला है, जो कि हवा से ही ठंडा होने वाला है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 159.7 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC FI इंजन दिया है, जो 16.04 PS की पावर देता है 8750 RPM पर, और 13.85 Nm का टॉर्क आपको ये इंजन जनरेट करके देता है 7000 RPM पर। N160 में इतनी पावर मिलती है, लेकिन उसमें जो टॉर्क है वो 1 Nm का ज़्यादा मिल जाता है। उसका जो वजन है वो इस बाइक से तकरीबन 10-15 kg ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक N160 से आगे आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि इसका जो वजन है वो 137 kg का है। इसके डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो 137 किलोग्राम की ये बाइक है, और बाइक की जो टोटल लंबाई है वो है 2085 mm, और बाइक की हाइट है 1105 mm, बाइक की चौड़ाई है 730 mm। जाली वाला साड़ी गार्ड है, नीचे में लेडी प्लेन के लिए पैर रखने के लिए भी सपोर्ट है, ओपन चैन सेट कवर दिया गया है, और ये जो चैन है ना भाई ये ओरिंग वाली चैन है। जो गियर की बात करें तो यहाँ पर 5-स्पीड गियर बॉक्स है, पहला गियर डाउन है, 4 गियर ऊपर की तरफ डाले जाते हैं, इसी तरह से अपोजिट में निकाले जाते हैं। फोल्डेबल फुटपैक्स हैं जो कि स्प्रिंग के साथ हैं, साइड स्टैंड इंजन गुड ऑफ सेंसर वाला फीचर्स दिया गया है, और भाई ये जो इंजन है ना वो TBS का काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन है, जो कि पिछले कई सालों से मार्केट में है, और ये बाइक जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है अगर आप इसका टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं तो। इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक आती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो प्राइस की बात करें तो TBS Apache RTR 162B राइडिंग मोड ऑल ब्लैक एडिशन ड्रम ब्रेक की एक्सोरूम कीमत है 121,420 रुपये, और इसकी ऑन रोड कीमत है 148,600 रुपये। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है सौभाग्य TBS NS2 हाईवे मथुरा शोरूम की। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके शहर की ऑन रोड कीमत अपाचे RTR 162 भी ऑल ब्लैक एडिशन की, तो जल्दी से कमेंट करें अपनी सिटी का नाम, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।